पालघर जिले के नारा सुपारा की तुलिन पुलिस ने ऐसे स्त्री सीटर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि रात को बंद घरों की जांच पड़ताल करके चोरी करते थे। वहीं पर तुलिन पुलिस ने महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, पर एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस की माने तो इन लोगों का बड़ा गैंग हो सकता है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 4 लाख का सोना और एक LCD टीवी बरामद किया है। इन चोरियों में महिला का अहम रोल रहता था। ये महिला रात के वक्त किसी बिल्डिंग में जाकर के घरों को देखती और जिस घर में ताला लगा होता था ये लोग उसी घर में चोरी करते थे। महिला आरोपी नेहा और दशरथ ये दोनों पति और पत्नी हैं। बाकी दो आरोपी इनके ही दोस्त है। ये सब नाला सुपारा के रहने वाले हैं। बहरहाल महिला आरोपी को जेल भेज दिया गया है और पुरुष आरोपी अभी पुलिस की कस्टडी में है। वही एक आरोपी की तलाश तुलिन पुलिस कर रही है। फिर से नाला सुपारा से खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से नाला सुपारा बड़े पैमाने पे घरफोड़ियाँ हो रही थी, दिन में भी और रात में भी। इनको प्रतिबंध करने के लिए और डिटेक्शन के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही थी। टूर पुलिस स्टेशन के श्री PI श्री बिराजदार, उनके क्राइम PI श्री भरवे और श्री कबाड़ी और उनके डिटेक्शन ब्रांच के APS साखरकर, डिटेक्शन ब्रांच के बाकी कर्मचारी ये इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे। एक दशरथ सोमा और मोहित अटकल और नेहा सोमा, ऐसे तीन लोगों को इन्फॉर्मेशन के जरिए अरेस्ट किया है। इसमें से एक बहुत अलग बात यह है कि एक महिला भी शामिल है ये घरफोड़ी करने के सिलसिले में। ये जो महिला है ये अपार्टमेंट में जाके कौन से फ्लैट को ताला है वो देखती थी और ये बाकी दो आरोपियों को वो इन्फॉर्मेशन पास करती थी। और जब ताला तोड़ के ये लोग अंदर जाते थे तो ये बाहर जाके वॉच करती थी कोई आने आ रहा है या क्या, उस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन पास करती थी। इनको अरेस्ट करने के बाद 8 घरफोड़ के मामले निष्पन्न हुए इन्होंने किए हैं। इसमें एक LED TV रिकवर किया है और 3 लाख रुपए का सोना हमने रिकवर किया है। एक आरोपी अभी फरार है, उसको अरेस्ट करना बाकी है। उस वो मिलने के बाद और भी घरफोड़ियों के मामले सामने आ सकते हैं। ये अभी तो गैंग, 4 लोगों की गैंग निष्पन्न हुई है, उसमें से 3 लोग हमने अरेस्ट किए हैं। ये पिछले कुछ महीनों से जो इस इलाके में घरफोड़ी के सिलसिला बड़े पैमाने पे चालू था, तो ये अद्यतन गुनहगार है ऐसे दिख रहा है। इसके पहले और क्या क्या इनके ऊपर रिकॉर्ड है वो भी देखने का काम ये चालू है। स्पेशली इसमें एक महिला शामिल है घरफोड़ी के मामले में, ये ज़रा अलग सी बात। दोनों तीनों ये लोग हैं जिसको समीर करके है, दूसरा दशरथ, और ये तीनों का ऊपर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। नहीं, वो वॉच करती थी, बिल्डिंग में जाती थी और कौन से फ्लैट को ताला लगा है वो देखती थी और वो इन्फॉर्मेशन पास करती थी और वॉच भी करती थी कि कोई आ रहा है या क्या नहीं। और अगर ये लोग अंदर ताला तोड़ने के बाद अंदर जाते तो वो अंदर जाने के बाद अगर कोई आता है क्या मूवमेंट है किसकी, वो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को पास करती थी। ये इधर ही के रहने वाले हैं, नाला सुपारा एरिया के ही रहने वाले हैं। कोई ये भी दशरथ है, ये गारमेंट के शॉप में काम करता है। बाकी अभी जो दूसरा फरार है ये तो मालूम नहीं क्या कर रहा है। एक लड़का है जो एजुकेशन ले रहा है, से तीनों का। और ये जो नेहा है ये दशरथ की बीवी है। हाँ, देखते ऐसे सामने तो ऐसे ही आए हैं।